हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू लिंक मर्चेंट अकाउंट विद गूगल एड्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू लिंक मर्चेंट अकाउंट विद गूगल एड्स। दोस्तों, आपको पता है जब भी हम गूगल पे एड्स बनाते हैं, शॉपिंग एड्स, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लिंक मर्चेंट अकाउंट से गूगल अकाउंट को लिंक कर दे ताकि हम ऐड बना सके। अगर आप मर्चेंट अकाउंट को गूगल अकाउंट से लिंक नहीं करोगे तो आपका ऐड नहीं बन पाएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो बनाने ऐड बनाने। सबसे पहले आपको आना है स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है, आपको यहाँ पे फिर गूगल मर्चेंट सेंटर पे क्लिक करना है, जिससे आपको एक नए टैब में खुलोगे। नए टैब में जैसे अब हम नए टैब में आ गए, इसके बाद हमें यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट पे क्लिक करना है मर्चेंट गूगल अकाउंट में। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल एड्स आपको दिख रहा है ना, गूगल एड्स आपको इसी पे ही रहना है। और यहाँ पे अभी लोडिंग हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा ऑप्टिमाइज होता है, थोड़ा लोडिंग होता है। लोडिंग होने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखेगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है गो टू गूगल एड्स, गूगल एड्स कस्टमर आईडी ये है, लिंक्ड स्टेटस नॉट लिंक्ड, एक्शन लिंक। तो मैं यहाँ पे लिंक करूंगा और लिंक करते ही इस पर क्लिक करूंगा और लिंक पे क्लिक होते ही यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कैंसिल रिक्वेस्ट, यानी कि ये कंफर्मेशन के लिए चली गई है। अब मेरे को क्या करना है, सिंपल इस पे आना है और इसको रिफ्रेश करना है। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, मेरे को ये रिफ्रेश हो चुका है। अब मैं सेटिंग पे, टूल्स एंड सेटिंग पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आके मैं लिंक्ड एंड अकाउंट्स को क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलेगा नीचे आने के बाद गूगल मर्चेंट सेंटर का। डिटेल्स पे जाऊंगा, डिटेल्स पे जाने के बाद मेरे को सिंपली यहाँ पे लिखा पेंडिंग, मैं व्यू डिटेल्स में क्लिक करूंगा और यहाँ लिखूंगा अप्रूव। और अप्रूव पे क्लिक करते ही यहाँ पे लिंक्ड हो गया। दोस्तों, आपका गूगल अकाउंट्स अब मर्चेंट अकाउंट से लिंक्ड हो चुका है, मतलब अब आप शॉपिंग एड्स क्रिएट कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, डाउट्स है, तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।